उनका बेटा क्या कर रहा है? क्रिकेट का बल्ला पकड़ना आता है अमित शाह के बेटे को? बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है, और हमारे घर के बेटे 17 साल की उम्र में जवान बनेंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी को 73 साल में तीसरी बार मौका चाहिए, और 21 साल का जवान जो है वो रिटायर होकर घर पे बैठेगा, और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। तो ये लोग घोर परिवारवादी हैं, अपने परिवार और अपने दोस्तों को बढ़ाने के अलावा न मोदी के कोई पास कोई काम है, न अमित शाह के पास कोई काम है, न भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है। किसको दे रखा है देश की सारी संपत्ति? अपने दोस्तों को। लाखों करोड़ रुपए देश का लूट कर किसको दे रखा है? अपने दोस्तों को। 15 लाख करोड़ रुपए किसका माफ किया? पूंजीपतियों का। तो ये है इनका चरित्र। इसलिए हम इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, मोदी और अमित शाह अपने दोस्तों का भविष्य बनाना चाहते हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, वो दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने रायबरेली पर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, उनको भगोड़ा तक बोला जा रहा है, बोला डरो मत, कहा कर देते मगर अब खुद ही वहां। मोदी जी इतने खराब इंसान है, मोदी जी को क्यों लगता है सब उनसे डरते हैं? इतने बुरे इंसान है, मतलब मुझे तो शर्म आती है। भारत का प्रधानमंत्री खुद ही कह रहा है लोग हमसे डर रहे हैं, डर रहे हैं, डर रहे हैं। अरे अच्छे इंसान बनो, तुमसे लोग क्यों डर रहे हैं भाई? इतने बुरे इंसान हो आप, आपसे सब डरते हैं? मतलब अगर एक परिवार से कई लोगों को टिकट मिल जाए तो परिवारवाद है, और अगर अकेले आदमी चुनाव लड़े तो डर गए। तो मोदी जी कहना क्या, मतलब बहुत ही एक जैसे वो बिहार में चलता है ना कि कन्फ्यूजिया गए हैं, तो मोदी जी कन्फ्यूजिया गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से। और इस देश की जनता इस बार उनके किसी भी नाटक में हिंदू मुसलमान ड्रामेबाजी किसी चक्कर में फंसने वाली नहीं।